और सबसे इम्पोर्टेंट द थर्ड लेसन मिररिंग, कि अकेलेपन से कैसे दूर रहें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल B3 एक्सीलेंस में। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने आपके लिए थॉट सीरीज बनाई थी ना 24, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अकेलेपन से कैसे दूर रहें, उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अकेलेपन को दूर करने का तरीका होता है कि आप पहले खुद शुरुआत करें, आप पहल खुद से करें, क्योंकि सामने वाले के पास हो सकता है आपसे ज़्यादा की एजिटेशन हो। तो मैंने आपको बताया था कि खुद पहल करें। तो नीचे कमेंट बॉक्स में से कई लोगों ने कई बातें करी। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि हम किसी से पहल करते हैं तो सामने वाला ईगो दिखाता है, एटीट्यूड दिखाता है। दोस्तों, ईगो होता है, हम में हो, आप में, हम सब में ईगो होता है। ईगो एक ऐसी फीलिंग होती है जो हर शख्स में मौजूद होती है, बट मायने ये रखता है कि हम उसके ईगो, उसके एटीट्यूड में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। क्या हम उसके ईगो के बदले खुद ईगो दिखा रहे हैं, एटीट्यूड के बदले एटीट्यूड दिखा रहे हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि कितना इतराते होंगे, कितनी ऐश उड़ाते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो तुझको बातें होंगे। तो इस बात के लिए अपने आप से थोड़ा खुशी मनाइए कि सामने वाला इतना इतरा रहा है, इतना घमंड कर रहा है, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि उसके पास आप हैं। आपको खुद इस बात में गुमान होना चाहिए कि आप किसी के साथ हैं, तो उसके अंदर इतना घमंड, इतना इतराना तो होना चाहिए, क्योंकि उसके पास दुनिया की सबसे कीमती शख्सियत है जिसका नाम आप खुद हैं। तो दोस्तों, इस बात से मैं कुछ ऐसी बातें आज के इस वीडियो में बनाऊंगा, इस थॉट सीरीज 25 में बताऊंगा, जिसके माने ये होंगे कि हम कैसे कम समय में सामने वाले से इंटरेक्शन बना सकते हैं, अपनी दोस्ती को कायम रख सकते हैं, या कैसे उस क्रूशियल कन्वर्सेशन को हैंडल कर सकते हैं जिसमें सामने वाला आपको एटीट्यूड या ईगो दिखा रहा है। या हम कुछ ऐसी बातें करना चाहेंगे इस वीडियो में जिससे हम बहुत कम समय में एक रेपो क्रिएट कर लें अपने और सामने वाले के बीच में, जिससे वो मौका ही ना आए कि सामने वाला आपसे एटीट्यूड या ईगो रख के बात करे। क्योंकि ईगो में ना दोस्तों आपका फ़ायदा होता है, ना सामने वाले का। एक अच्छा पर्सनैलिटी वो होती है जिसके साथ सब लोग सहज रूप से बात करते हैं। और सच पूछा जाए ना दोस्तों, तो कई मामलों में बात ये होती है कि सामने वाला हमको एटीट्यूड या ईगो, जिसे आप कहते हैं, वो दिखा ही ना रहा हो। मे बी उसकी लैंग्वेज अलग हो। मैंने किताब पढ़ी थी द 5 लव लैंग्वेजेस, उसको पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि अक्सर हम जैसे चीज़ों को देखते हैं चीज़ें वैसी नहीं होती हैं। उस किताब में कहानी थी, मैं आपको शेयर करता हूँ। एक पति हर दिन अपनी पत्नी के लिए गिफ्ट लेके जाता था और उसे लगता था कि वो अपना प्यार दिखा रहा है अपनी बीवी के लिए। हर दिन उसके लिए गिफ्ट लेकर जाता है, उसको फ्लावर्स लेकर देता है। लेकिन जब भी उसकी वाइफ उसे कोई काम के लिए कहती थी कि उसके घर में थोड़ा हाथ बटा दो, थोड़ी मदद कर दो, तो उसको ये काम चीप लगते थे, वो करता नहीं था। तो उसकी वाइफ इस बात से बड़ा नाराज़ रहती थी। उसको उस वो गिफ्ट नहीं दिखते थे, उसे ये दिखता था कि मेरे हस्बैंड मुझे खरीदने की कोशिश कर रहा है, गिफ्ट ला के मुझे खरीदने की कोशिश कर रहा है, कि मेरी हेल्प नहीं कर रहा, मेरी केयर नहीं कर रहा, उसके एवज में मुझे गिफ्ट दे रहा है। उसके लिए फिर उन गिफ्ट की वैल्यू ख़त्म हो गई, जबकि लड़का अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था और लड़की भी अपनी तरफ से काफ़ी मदद कर रही थी, लेकिन एक कन्वर्सेशन क्रिएट नहीं हुई, एक रेपो क्रिएट नहीं हुआ। इसकी वजह ये थी कि दोनों अलग अलग लैंग्वेज में बात कर रहे थे। हम सबकी बात करने की लैंग्वेज अलग होती है, पर हम सब एक डिफरेंट विजन से एक डिफरेंट चीज़ को देख रहे होते हैं। तो कोशिश कीजिए सामने वाला आपसे क्या कह रहा है, उसके क्या और मीनिंग हो सकते हैं। जब आप ये देखेंगे, थोड़ा समय अपने आप को देंगे, थोड़ा समय सामने वाले को देंगे, तो ये जो समय देना है ना दोस्तों, इसे ही अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। और हम आज बात करेंगे कैसे इस अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जा सके, क्योंकि जैसे ही अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है वैसे ही ये ईगो जैसे गलत शब्द खत्म हो जाते हैं किसी की भी कन्वर्सेशन से। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी रिलेशनशिप और इन एनी टाइप ऑफ कन्वर्सेशन इज स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये अंडरस्टैंडिंग ही सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा बढ़ती है, या हम कहते हैं कि जो लैंग्वेज सामने वाला बात कर रहा है हम उसी लैंग्वेज में बात करें। हमने बचपन से कई बार सुना होगा कि हमें उसी कन्वर्सेशन, उसी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए जिस लैंग्वेज में सामने वाला बात कर रहा है। असल में सारा खेल इस डिफरेंट, इस डिस्टिंक्ट लैंग्वेज का होता है। तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का सबसे बड़ा और सबसे पहला तरीका जो मैं आपको बताऊंगा, उसे कहेंगे मिररिंग। जब भी आप सामने वाले से बात करें, किसी से भी बात करने की मैंने कहा पहल करें, कोशिश करें कि आप उसकी वॉइस ऑफ टोन को मैच करने की कोशिश करें, उसकी पिच और उसकी फ्रिक्वेंसी को मैच करने की कोशिश करें, उसकी मूड, उसकी फीलिंग को मैच करने की कोशिश करें। ऐसा ना आप बताओ कि यार मेरा दिन बहुत बेकार गया, ये है वो है, मैं तो ये हो गया, मैं तो मेरे साथ बुरा हो गया, मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मैं लुट गया। नॉट लाइक डैट माई फ्रेंड, इट्स नॉट द वे। मे बी शायद वो आज ही जीता हो, मे बी आज उसने अपना कोई टारगेट कम्प्लीट किया हो, मे बी आज उसे प्रमोशन मिला हो। दोस्तों, ये जो मिसमैच ऑफ मूड है ना, ये कन्वर्सेशन को बिगाड़ देता है। आप
कहते हैं, एक स्टडी कहती है कि वो कन्वर्सेशन सबसे अच्छी होती है जिनमें 70% सामने वाला बोल रहा हो और 30% आप बोल रहे हो। आप हमेशा कोशिश करिए थोड़ा कम बोलने की और ज़्यादा सुनने की। आप सबसे पहले सामने वाले के मूड को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि वो इस वक्त है किस मूड में, खुश है, दुखी है, एक्साइटेड है, एनर्जेटिक है या लूज है। अपनी फ्रिक्वेंसी, अपनी एनर्जी उसके मूड के साथ मैच करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे सामने वाला का मूड ख़राब भी होगा ना, तो अभी आपके साथ बात करके उसको अच्छा लगेगा और चार लोगों से यही कहेगा, यार मेरा दिन बन गया आपसे बात करके। एटीट्यूड वाली टर्मिनोलॉजी तो बाद में आती है, और असल में 100 में से 90 बार कोई एटीट्यूड नहीं दिखा रहा होता है, ईगो नहीं दिखा रहा होता है। ये इस जस्ट अ डिस्टिंक्शन ऑफ विजन, ये सिर्फ देखने के नज़रिए का अंतर होता है। तो आप उसे 10 मिनट बात कीजिए, 15 मिनट बात कीजिए, उसके नज़रिए से अपनी बात को समझने की कोशिश कीजिए, और फिर भी आपको लगता है कि सी इज़ नॉट रियली इंटरेस्टेड इन योर डैट कन्वर्सेशन, तो लेट्स लीव इट, उसे फिर छोड़ दीजिए, क्योंकि साइलेंस भी बहुत कुछ कहने वाली चीज़ होती है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हम किसी भी रिलेशनशिप से, किसी भी रिश्ते से दूर होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में आते आते अपने सभी लोगों से दूर हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम खुद पहल नहीं करते, और हम पहल नहीं करते क्योंकि एक हेजिटेशन भी हमारे अंदर होती है। तो सबसे पहले उस हेजिटेशन को ख़त्म कीजिए, ये सोचकर कि सामने वाले को आपसे ज़्यादा हेजिटेशन हो रही है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम सामने वाली की बात को समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो थोड़ा सामने वाली की बात को समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ी कन्वर्सेशन को बढ़ाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट द थर्ड लेसन, मिररिंग। आप अपने आप को सामने वाले के साथ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, यह अभी केयरिंग दिखाता है। इट्स नॉट अ फेक पन, इट्स नॉट फेकिंग, आप कुछ झूठा नहीं दिखा रहे हो। आप किसी के लिए कुछ ऐसा कर रहे हो जो आप बाकियों के लिए नहीं करते हो। इट शोज योर केयरिंग, ये आपके इफर्ट दिखा रहा है कि आप सामने वाले की थोड़ी सी अटेंशन ग्रैप करने के थोड़ा सा ज़्यादा समय दे रहे हो। इट्स अ गुड इंप्रेशन, इट्स अ थिंग ऑफ गुड इंप्रेशन, सो डोंट हेजिटेट फॉर डूइंग दिस। इसको करने के लिए आप हेजिटेट मत कीजिए, डेट्स अ रियली नाइस थिंग। तो आप थोड़ा सा सामने वाले के साथ मिरर करने की कोशिश कीजिए, मूड के साथ मैच करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा रैपो क्रिएट कीजिए, और फिर आप देखेंगे कि एक बार किया हुआ आपका ये एफर्ट आपके पास लॉन्ग टर्म में रिटर्न एंड रिटर्न एंड रिटर्न देता रहेगा। क्योंकि फिर सामने वाला आपको ढूंढेगा, एक ऐसे शख्स को ढूंढेगा जिससे वो अपनी बात कह सके। हम सब अंदर से सच में बहुत खाली हैं। आप कभी किसी से बात कीजिए तो आप देखोगे, हाँ देखोगे कि हर शख्स कुछ ना कुछ कहना चाहता है, वो ढूंढ रहा है ऐसे शख्स को जो उसे सुन सके। मैं चाहता हूँ आप वो शख्स बने जिसे दुनिया सुनना चाहे, जब आप बोले तो पूरी दुनिया उसे सुने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विशाल गुप्ता अपनी बात को विश्राम देता हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, फिर मिलेंगे।